Hello everyone, welcome to EM Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you about the basic interview questions, top 10 interview questions for 8051 microcontroller. So let's start. So first question is, what is 8051 microcontroller? So जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर है वो इंटेल ने 1980s में डेवलप किया था, जिसमें हमें इनबिल्ट रैम रोम ऑन चिप सीरियल पोर्ट और फोर पोर्ट्स दे दिए गए सिंगल चिप पे। तो 4KB की इसकी रैम थी और 128 बाइट्स की इसकी रैम है। ये आज भी बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसे हम बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं और इसके साथ हमें 40 पिन GPIO कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें से 8 हमारे जनरल स्पेशल पर्पस हैं और 32 जनरल पर्पस हैं। सो यहाँ पर दे रखा है, द इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर इन यूज टुडे। इट इज़ एन 8-bit फैमिली माइक्रो कंट्रोलर। ये एक 8-bit फैमिली माइक्रो कंट्रोलर है, तो हर एक पोर्ट पे इस पे 8 बिट का डाटा हम एक पोर्ट पे एक टाइम में हम कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। इन ईयर 1981 द माइक्रो कंट्रोलर वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज सिस्टम ऑन चिप। ये पूरा का पूरा रैम रोम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सारा एक ही चिप पे दे दिया गया, तो इसे सिस्टम ऑन चिप भी बोला जाता था उस टाइम पे। बिकॉज इट हैज़ 128 बाइट्स ऑफ रैम, 4 KB ऑफ रोम, 2 टाइमर्स, 1 सीरियल पोर्ट एंड 4 पोर्ट्स ऑन अ सिंगल चिप। सो जो इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है वह है कि रैम और रोम क्या था। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी हमारे करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जो मेमोरी हमारी यूज़ हो रही है वो हमारी होती है रैम। रोम एक फिक्स्ड मेमोरी है, जो हमारा प्रोग्राम है जिस मेमोरी में सेव होगा वो हमारी रोम होगी। जिस अगर हम पावर हटा भी लें तो उस टाइम पे रोम में जो डाटा है वो रहता है, बट रैम में इस तरह से नहीं होता। रैम में जब हमारा प्रोसेस चल रहा है सिर्फ उसी टाइम पे डाटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो ये इंटेल का 8051 माइक्रो कंट्रोलर का हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरप्ट्स भी हैं, 2 इंटरप्ट्स हैं, INT0 INT1 और प्रोग्राम के लिए एक और डाटा बस दे रखी है। टाइमर्स हैं टाइमर 0 और टाइमर 1। CPU है, ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर जो हम इसके साथ लगाते हैं वो लगाते हैं 11.0592 MHz का, 33 पिकोफेरेड के 2 कैपेसिटर्स लगे हैं ऑसिलेशंस को प्योरीफाई करने के लिए। 4 IO पोर्ट्स हैं, जिसमें एड्रेस बस भी है और डाटा बस भी है और एक सीरियल पोर्ट, UART ब्रिज, यूनिवर्सल असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो इसमें TXD और RXD दोनों पिंस होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ओके, तो ये हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। इसी तरह से वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8051 वॉज डिवेलप्ड यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। सो आंसर इज इंटेल ओरिजिनली MCS 51 फैमिली वॉज डिवेलप्ड यूजिंग NMOS टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले ये NMOS टेक्नोलॉजी से डिवेलप किया था, बट लेटर वर्जन्स में इसे CMOS टेक्नोलॉजी से भी डिवेलप किया गया। तो NMOS जो है वो हमारा प्रेडिसेसर है और वो पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता था, CMOS जो है वो कम पावर कंज्यूम करता था, इसीलिए ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा ये वर्जन इसका। ओके, तो NMOS और CMOS क्या होता है? CMOS होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और NMOS क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई 8051 इज कॉल्ड 8-bit माइक्रोकंट्रोलर। सो आंसर इज इंटेल 8051 इज एन 8-bit माइक्रोकंट्रोलर, व्हिच मींस दैट मोस्ट अवेलेबल ऑपरेशंस आर लिमिटेड टू 8 bits। इसका मतलब क्या है कि 8-bit से ज़्यादा हम डाटा जो है वो हैंडल नहीं करवा सकते। 8 bits मतलब 2^8, जो मैक्सिमम डाटा है वो किसी भी रजिस्टर में इसके 255 से 0 से लेकर 255 मतलब 256 bits इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इससे ज़्यादा हम डाटा हैंडल नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये 8-bit माइक्रोकंट्रोलर है, एक टाइम पे एक ही बिट 8 bits ही ये डाटा को हैंडल कर सकता है। Width of data bus and address bus in 8051. So answer is width of data bus in 8051 is 8-bit. जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 8-bit का माइक्रोकंट्रोलर है ये, तो डाटा बस भी इसकी 8-bit की है। And 16-bit address bus.
तो इसमें एड्रेस बस जो है वो हमारी 16 बिन है, क्योंकि इसमें दो रजिस्टर्स हमने अलग अलग यूज किए हैं, 8+8 बिट, इस वजह से एड्रेस बस जो है वो हमारी 16 बिट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट द फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो फीचर्स देखते हैं, 6 इंटरप्ट्स इंक्लूडिंग रीसेट, 40 पिन आईसी, 128 बाइट्स ऑफ रैम, 4 किलोबाइट ऑफ रोम, 2 टाइमर्स, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, 32 इनपुट आउटपुट जो हमारे जनरल पर्पस पिन है, और 1 सीरियल पोर्ट। तो इस तरह से हम सीरियल पोर्ट्स जो हैं वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन करवाना है जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से, वाईफाई मॉड्यूल से, तो बॉड रेट हम वेरिएबल बॉड रेट में रख के इसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं किसी भी सीरियल डिवाइस से। सो ये हमारा पिन डिस्क्रिप्शन है। अगले क्वेश्चन, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 में हमारे टोटल 40 पिन हैं, जिसमें से हमारी 32 जनरल पर्पस हैं और 8 जो हैं वो स्पेशल पर्पस हैं। जबकि जो हमारा पोर्ट 0 है, वो हमारा जो पोर्ट 0 है वो ओपन ड्रेन पोर्ट है, उस पर हमें पुल अप रेजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं अगर हमें यूज़ करना है। और 40 पिन VCC है, 31 पिन जो है वो हमारी एक्सटर्नल एक्सेस, इसे हमें पुल अप करवाना पड़ता है, पुल रेजिस्टेंस लगा के हाई करवाना पड़ता है ताकि हम इंटरनल मेमोरी को यूज़ कर सकें। ALE एड्रेस लैच एनेबल, PSEN प्रोग्राम स्टेटस एनेबल, XTL 1 2 ये क्लॉक के लिए, ग्राउंड एंड रीसेट पिन जो पिन नंबर 9, इस पे हमें रीसेट सर्किट बनाना होता है। सो यही सब हमारे इसमें दे रखा है। तो व्हाट आर स्पेशल पर्पस पिन्स, जो ये VCC पिन है, ग्राउंड पिन है, क्लॉक पिन है, रीसेट है, ALE, PSEN, ये सारी हमारी स्पेशल पर्पस हैं क्योंकि इनको एक स्पेशल काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जैसे VCC को हम जनरल पर्पस की तरह नहीं यूज़ कर सकते, हम सिर्फ इसे पावर देने के लिए यूज़ करेंगे IC को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ IO पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो IO पोर्ट्स कितने हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में? देयर आर 4 पोर्ट्स विद पोर्ट 0 एक्ट एज IO पोर्ट एंड ऑल्सो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डाटा बस। इसे हम एड्रेस और डाटा बस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस पोर्ट को, 8051 के पोर्ट 0 को। तो टोटल हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं, चारों पोर्ट में, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो चारों पोर्ट पे 8-8 पिन्स दे रखी हैं, तो हर पोर्ट पे हमारे पास 8 पिन्स हैं, तो 4 पोर्ट टोटल मिला के हमारे बनाते हैं 32 जनरल पर्पस पिन। पोर्ट 1 एक्ट एज IO पोर्ट, पोर्ट 2 एक्ट एज IO ऑल्सो लाइक एड्रेस लाइन्स, पोर्ट 2 जो है वो एड्रेस लाइन्स की तरह भी काम करता है। पोर्ट 3 एक्ट एज IO एंड ऑल्सो फॉर एक्सटर्नल पेरीफेरल्स। पोर्ट 3 पे हम एक्सटर्नल पेरीफेरल्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि पोर्ट 3 में हमारे पास RX TX सीरियल कम्युनिकेशन लाइन जो है वो हमारे पास पोर्ट 3 में ही दे रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कीवर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, मल्टीप्लेक्सिंग इज मेथड बाय विच मल्टीपल और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। तो मल्टीप्लेक्सिंग हम किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक ही चीज़ पे हम 2 या 3 चीज़ें कम्युनिकेट करवाते हैं और उन्हें बार बार बारी बारी से रीड करवाते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है तो हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं हर एक। अगर हमें जैसे 8051 के केस में अगर हमें डाटा रीड करवाना है तो हम डाटा को ऑन करवाएंगे, और एड्रेस रीड करवाना है तो एड्रेस। रियल टाइम की बात करें तो ये दोनों रियल टाइम में होते नहीं हैं, बट हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है। 11.0592 MHz का क्रिस्टल ऑसिलेटर है तो इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिन प्रोवाइड्स अ रीसेट ऑप्शन इन 8051? सो इसका आंसर है, रीसेट पिन इज यूटिलाइज टू सेट द माइक्रो कंट्रोलर टू इट्स प्राइमरी वैल्यूज, मतलब उसे इनिशियल स्टेट में लाने के लिए, वेयर एज द माइक्रो कंट्रोलर इज फंक्शनिंग और एट द अर्ली बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन, द रीसेट पिन हैज टू बी सेट एलिवेटेड फॉर 2 मशीन रोटेशंस। मतलब हमें 2 मशीन साइकिल्स के लिए हमारी इस रीसेट पिन को, जो कि पिन नंबर 9 है हमारी, उस पिन को हमें हाई करवाना पड़ता है। ये हम किस तरह से करवा सकते हैं, एक RC सर्किट लगाएंगे हम, जिसकी वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले फिनोमिना से हम एक पल्स जनरेट करवाएंगे। अगर हम उसे डायरेक्ट ग्राउंड कर दें तो 2 मशीन साइकिल के लिए हमारा
लो रहेगा। अगर हम उसे डायरेक्ट हाई करवा दें तो दो मशीन साइकिल्स के लिए हमारी वो पिन जो है वो हाई रहेगी। ओके, विच पिन इज रीसेट पिन, तो ये कौन सी है 8051 पे, पिन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, डज एन 8051 माइक्रो कंट्रोलर नीड एक्सटर्नल ऑसिलेटर टू रन? यस डेफिनेटली, 8051 हैज एन ऑन चिप ऑसिलेटर बट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल ऑसिलेटर क्लॉक टू रन इट। मोस्ट ऑफन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड टू इनपुट्स XTAL1 एंड XTAL2। यहाँ पर हम 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं। इसके अंदर इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर भी होता है बट वो हमारे कंट्रोलर को रन करने के लिए सफिशेंट नहीं है, तो इस वजह से हम इसे एक्सटर्नल ऑसिलेटर भी लगाते हैं। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या है, 11.0592 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज PSEN? सो PSEN इज प्रोग्राम स्टोर एनेबल। सो दिस इज एन आउटपुट पिन इन एन 8051 बेस्ड सिस्टम इन विच एन एक्सटर्नल रोम होल्ड्स द प्रोग्राम कोड। दिस पिन इज कनेक्टेड टू द OE पिन ऑफ द रोम। ये जो पिन है हमारी प्रोग्राम अपलोड करने के काम आती है, ताकि हम प्रोग्राम अपलोड कर सकें। इस पिन को हम पुल अप करके रखेंगे तो ALE पिन के थ्रू हमारा जो कोड है वो अपलोड हो जाएगा। अगर हम इसे डाउन करेंगे तो हमारा जो कंट्रोलर है वो रन मोड में चलेगा। सो विच पिन इज PSEN पिन इन 8051? 8051 में PSEN पिन कौन सी है हमारी, पिन नंबर 31। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।